हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विथ ऑयन। ये मैं लाया हूँ स्पॉटलाइट, बाइक के लिए काफ़ी अच्छा लाइट है। ये लाइट ज़्यादातर फ्रंट में या बैक में लगा सकते हो, ज़्यादातर पेयर में ही आता है। उसके साथ ये एक सर्किट भी आता है। एक्चुअली सर्किट के वायर काफ़ी छोटा था, इसीलिए मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया है। इसके साथ लगेगा एक स्विच जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये मैंने ख़रीदा है bangoo.com से। प्राइस उतना नहीं है, 200 या 300 में मिल जाएगा आपको इंडियन रुपीज़ में। देख लो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने अभी इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल करना है। 2-3 कलर में मिल जाता है। मैंने इसे ब्लू मंगाया है। अगर आप इसे फ्रंट में लगाना चाहते हो तो इस टाइप का जो जगह है ना, ये लुकिंग ग्लास के साथ इधर लग सकता है इस तरीके से। मैं फ्रंट में ही लगाऊंगा। अगर आप बैक में लगाना चाहते हो तो इसे बैक पे भी लग सकता है। और ये इसके साथ मैंने अलग से एक स्विच लगा दूंगा जिससे ये कंट्रोल हो सके। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट ज़्यादातर मॉडिफिकेशन के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। लॉन्ग टूर के सामान क्या क्या लगता है इस बारे में बहुत सारे वीडियो है मेरा। और मैं लॉन्ग टूर भी करता हूँ। पिछले साल मैं भूटान गया था, उसका जो लिंक है वीडियो का मैं आई बटन में दे देता हूँ, आप इधर जाके चेक कर सकते हो। इंस्टॉलेशन में ज़्यादा परेशानी नहीं है, ये काफ़ी आसानी से 2 इंस्टॉल हो गया। अभी जो मेन काम है इसको जो स्विच से कनेक्ट करना। मैं इसे इस तरीके का एक स्विच है, मैं इस स्विच से अभी कनेक्ट कर देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसे खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे कनेक्शन आगे करना है। तो चलिए फ्रंट वाला हिस्सा खोल लेते हैं। भी इसका जो कनेक्शन है आप देख लीजिए, यहाँ पे एक इस टाइप का बॉक्स होगा, उसमें एक रेड कलर का वायर है, वो है पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक रेड कलर का वायर है, इसके साथ मैंने एक कनेक्शन ऑलरेडी करके रखा है। इसके साथ जो कनेक्शन है, मैंने एक फ्यूज़ लगाया है वो 10 एम्पियर का। अभी मेरा जो आगे का कनेक्शन है मैं इधर से लेता हूँ, और नेगेटिव का मैं बॉडी से कहीं से भी ले सकते हो। ये जो कनेक्शन है ये इग्निशन के साथ ऑन होगा, जब आप चाबी ऑन करोगे तभी इसमें पावर आएगा। अभी इसका जो कनेक्शन है, इसमें देखिए मैंने जो स्विच का दो पार्ट है, एक पार्ट में इधर पॉजिटिव में लगा देता हूँ और दूसरे जो पार्ट है मेरा जो ये सर्किट है उसका जो पॉजिटिव है मैं उसका जो पॉजिटिव में लगा देता हूँ। तो मेरा पॉजिटिव का कनेक्शन तो हो गया, इसको मैं अभी टेप कर दूंगा। और ये जो है नेगेटिव कनेक्शन, इसको मुझे बॉडी का जो पार्ट है कहीं पे भी लगा सकते हो, मगर नेगेटिव में ही लगाना होगा।
अभी देखो मैंने वायर क्यों बड़ा किया है, क्योंकि ये वायर काफ़ी छोटा है, इसलिए मैंने थोड़ा वायर बड़ा किया है। अभी इसे आसानी से मैं कनेक्शन दे देता हूँ, उसके बाद आपको जल्दी से इसे कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ये एक्चुअली नेगेटिव है, तो मैं इधर पे मेरा एक नेगेटिव कनेक्शन है, मैं उधर से इसको कनेक्शन दे देता हूँ। अभी देखिए मैं इसको ऑन करने वाला हूँ, ये देखिए रात के टाइम आपको दूर से नज़र आएगा। मान लीजिए आप कभी ग्रुप के साथ राइड कर रहे हो, आप एकदम पीछे जाओ तो कोई भी आपको देख के बोल सकता है कि ये वो बंदा आ रहा है जिसके गाड़ी में ये लगा है। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, आप देख लो। आप लोग लंबे टूर पे जा रहे हो तो ये आप ओवरटेकिंग के टाइम यूज़ कर सकते हो। आगे वाले जो पर्सन है, जो वो गाड़ी चला रहा है, उसको मालूम चल जाएगा कि आप आ रहे हो। बहुत दूर से इसे दिखाई दे सकता है, बहुत दूर से। ये तो मैं अभी सामने हूँ, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। रात के टाइम बहुत यूज़ होता है लॉन्ग टूर पे, तो ये बहुत अच्छा काम का चीज़ है, इसलिए मैंने इसे इंस्टॉल किया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक बात, ये प्रोडक्ट मैंने bangoo.com से ख़रीदा है 300 रुपीस के अंदर। आप चाहो तो चेक कर सकते हो,
कोई भी बाइक पे लग सकता है, मैं तो सामने लगाया, आप लोग पीछे भी लगा सकते हो। प्रोसेसिंग एकदम इजी है, मैंने आपको पूरा डिटेलिंग वीडियो दिखाया। अगर मान लीजिए इसे आप ब्रेक के साथ कनेक्शन करना चाहते हो, सिंपली जो ब्रेक का प्लस और माइनस जो वायर है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दो, जब भी आप ब्रेक प्रेस करोगे तभी ये काम करेगा। तो कैसा लग रहा है नीचे लिखो। और नए जो सब्सक्राइबर है उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे इसी तरीके का मॉडिफिकेशन वीडियो आता रहेगा। मैं ये जो इतना मॉडिफिकेशन आप देख रहे हो मेरे बाइक के ऊपर, ज़्यादातर मैंने खुद किया है और मैं आपको डिटेल वीडियो इसके बारे में दिखाता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।